चलिए आज एक और अपनी नई स्टूडेंट से मिलवाता हूँ। नाम है अंशिका राजपूत, जिसकी ऑल इंडिया 184 रैंक है, और इसके साथ साथ अभी सीईटी का रिजल्ट आया, सीईटी में भी 107 रैंक है। तो अंशिका, सबसे पहले इस रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, बहुत बहुत बेटा। अच्छा, अंशिका के बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अंशिका ने ट्वेल्थ के बाद एक ड्रॉप लिया था, फिर फाइनल ईयर किया। अंशिका यूपी के बिजनौर से है और काफी छोटी जगह थी, इन्होंने दिल्ली से अपना ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के समय सेल्फ स्टडी की थी, बाय चांस रैंक नहीं आई निमसेट में, देन वन ईयर का ड्रॉप लिया, पेन ड्राइव कोर्स, उसके बाद लाइव क्लास कोर्स से जुड़ी। तो इस आपकी लाइफ में एक तरह से देखें तो काफी स्ट्रगल भी रहा है, और ये बोल सकते हैं कि 2 साल का ड्रॉप रहा है, तो अक्सर गर्ल्स के साथ ऐसा होता है कि ड्रॉप के लिए कई बार पेरेंट्स मना करते हैं, पर आई थिंक आपकी फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट था। पर फिर भी जब आपने ड्रॉप लिया सेकेंड, मतलब एक तरह से सेकेंड ड्रॉप आपका हुआ, तो आपके मन में क्या थॉट थे, और आपको कोई कंफ्यूजन तो कभी नहीं रहा कि ड्रॉप को लेके? क्या आपकी लाइफ की सक्सेस स्टोरी में चाहूंगा आप वो डिटेल में बताएं, जिससे कि जो बच्चे ड्रॉप लेने से डरते हैं वो कम से कम अपने करियर को बनाते समय इन सब चीजों को ध्यान रखें। सर, जब मैंने 12th के बाद ड्रॉप लिया था तो तब ये था कि मुझे बीटेक के लिए जाना था, तो मेरा ये था कि मुझे पता था कि एग्जाम जेईई मेंस तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा ये था कि कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए अच्छा कि मैं बीटेक कर पाऊँ। लेकिन तब मुझे यूपीटीयू मिला था और सब बहुत अच्छा कॉलेज मिला था, तो मैंने नहीं लिया। फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की BSc CS। उसके बाद मैंने थर्ड ईयर अपना सेल्फ स्टडी की रिमसेट के लिए, पर नहीं हो पाया। फिर मैंने अपने पापा को बोला कि मुझे ड्रॉप लेना है, क्योंकि मैं निमसेट का पेपर देके और लास्ट ईयर के पेपर देके बहुत श्योर थी कि मैं कर लूंगी, पर फैमिली को एक बार बोलना पड़ता है, क्योंकि मतलब एक दिखाना पड़ता है कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कर सकती हूँ। बात है। तो फिर मैंने पापा को आपकी वीडियो दिखाई थी, आपने डाली थी 2019 के पेपर के बाद ड्रॉप ईयर पे, तो फिर मैंने वो दिखाया, तो फिर पापा ने बोला कि अगर ठीक है, अगर तू कर सकती है तो फिर ले ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत प्रेशर हो जाता है कि सेकंड ईयर ड्रॉप है, और फिर बहुत ज्यादा प्रेशर भी था ही कि इस बार निकालना ही निकालना है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं बचा था लास्ट। फिर मैंने किया, फिर उसके बाद मैंने आपका कोर्स लिया, उसके बाद मैंने पढ़ाई की। फिर ऐसा था कि हमारे पास टाइम था, कि पूरा वन ईयर था ऑलमोस्ट कि मई में पेपर है, तो फिर मैंने बहुत टारगेट लेके चला कि इतने में सिलेबस खत्म करना है, फिर इतने में रिवाइज करना है, फिर उसके बाद मॉक ही देने हैं। तो मैंने अप्रॉक्स 300 से 400 मॉक तो दिए ही थे ऑनलाइन, और पीडीएफ भी जितनी आपने दी थी वो सारी सॉल्व की थी। और वो मॉक सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल होता है वो कॉन्सेप्ट और मॉक सबसे ज्यादा यही होता है, कि अगर मॉक नहीं दिए तो आप पेपर सॉल्व ही नहीं कर सकते, चाहे आपको कितना ही आता हो, क्योंकि उसके बिना स्ट्रेटेजी बनेगी ही नहीं। नेमसेट में टाइमिंग का तो प्रॉब्लम होता है कि अगर आपने स्ट्रेटेजी बना के सॉल्व नहीं किया तो आप नहीं कर सकते हो, और तब तक आपको ये भी नहीं पता चलेगा बिना मॉक दिए कि आप कितना निगेटिव कर रहे हो, क्या माइनर मिस्टेक्स हैं, और आपको कितना टाइम रीजनिंग को देना है, कंप्यूटर कितना पढ़ना है, वो सब मॉक से पता लगता है, वरना पता नहीं लगेगा। और एक कॉन्स्टेंट डे बाई डे पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि आपने स्किप कर दिया फिर स्किप कर दिया, तो फिर वो चीज स्किप ही हो जाती है, फिर आप उतना माइंड सेट नहीं कर पाते कि आपको डेली पढ़ना है। क्योंकि लॉकडाउन ने बहुत डिस्ट्रैक्ट किया हम लोगों को कि कब है एग्जाम, डेट कब है, तो उसमें मतलब मेरा ये था कि मैंने छोड़ा नहीं, कि मुझे पढ़ना ही था। मैंने दो पेपर वो सॉल्व ही किए, चाहे पीडीएफ किया, चाहे मॉक किया, चाहे रिवाइज किया, पर मैंने छोड़ा नहीं कि मुझे आज नहीं पढ़ना है, कि पेपर की डेट नहीं आई, मैंने कभी छोड़ा नहीं था कि मुझे पढ़ना। तो अंशिका, ये काफी इंपॉर्टेंट बातें बताई आपने, दूसरा आपके फैमिली मेंबर्स का भी सपोर्ट था। अच्छा, एक चीज है, जैसे आपने दिल्ली जाके आपने जो बोला कि आईआईटी के समय ड्रॉप लिया था और ये क्लियर था मेंस में नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आईआईटी के लिए ड्रॉप लेते हैं और कई बार नहीं हो पाता, तो सोचिए उनके पास जो जेई मेंस के थ्रू हमें एनआईटी मिलने वाला, ये एक लूप लाइन होती है कि हम एमसीए के थ्रू चले जाएं, और इसमें केवल मैथ्स एक सब्जेक्ट होता है, मैथ्स रीजनिंग कंप्यूटर, जबकि आईआईटी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो कई बच्चों को ये नॉलेज ही नहीं होती। पर आपका जैसे जब नहीं हुआ तो आपको ये क्लियर था कि मुझे आगे जाके एमसीए देना है और निमसेट के थ्रू जाना है, या इसमें कुछ कंफ्यूजन था? 12th के बाद मतलब मेरे पापा का ही ड्रीम था, उन्होंने मुझे 10th से ही डाला था कि आईआईटी एनआईटी करना है, आईआईटी एनआईटी करना है, तो मेरा था कि मुझे एनआईटी ही करना है, तो या आईआईटी करना है। फिर मुझे बीएससी के बाद, मतलब मैंने बीएससी मन से नहीं किया था, मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं बीएससी करूं, ग्रेजुएशन करूं, पर मैंने लिया कि मैं और ऑप्शंस देखूंगी। और फिर मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ भी देखना है, मेरा बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए मैंने एमसीए चूज किया। और उसके बाद अब एनआईटी मिली तो घर में सब खुशी है, क्योंकि प्रेशर बहुत था पापा पे, क्योंकि वो अकेले यहाँ गांव में रहते हैं और बाकी हमारे सारे रिलेटिव बाहर रहते हैं, तो सबको सुनना पड़ता है, तो उनके ऊपर प्रेशर था। और फिर मैं गर्ल हूँ तो और ज्यादा प्रेशर हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, छोटी जगह पे रहते हैं तो पेरेंट्स के ऊपर ये प्रेशर हो जाता है कि पेरेंट्स को
आसपास या रिलेटिव कई बार प्रेशर डालते हैं कि लड़की है तब तक इसको पढ़ाओगे, अभी फिर ये ड्रॉप लेगी 3 साल का एमसीए, पर पेरेंट्स के ऊपर अलग तरह का एक प्रेशर होता है और वो प्रेशर हम पे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आ जाता है वो जिसको हमें रहता है, हम ध्यान लोग को रखना। समझ आ जाता है हाँ कि तो पेरेंट्स वो चीज बताते है। नहीं है लेकिन समझ आ जाता है कि वो लोग हमारी वजह से बहुत सुन रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमें कुछ करना चाहिए। देखिए अंशिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने बोली। एक तो आपने दिल्ली में एजुकेशन ली तो आपको ये पता था कि कंप्रोमाइज नहीं करना, नहीं तो कई लोग क्या होता है यस ग्रेजुएशन के सर, बाद कहीं प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है ले लेते हैं, पर आपका एक तो अच्छा नहीं सर, एजुकेशन बिल्कुल रहा और नहीं। आपको कोई कंप्रोमाइज या कोई कंफ्यूजन नहीं था लाइफ में, और उसी का नतीजा है कि आपके ऑल इंडिया 184 रैंक आई। अभी एनआईटी यस सर, आपको अपना इलाहाबाद एनआईटी अलॉट हुआ इलाहाबाद। है, ये बहुत ही खुशी की बात है। तो मैं यस आपको एक सर, बार फिर से ढेर सारी बधाई देना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा थैंक कि यू आप सर। उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं जो समय रहते हुए प्रिपरेशन नहीं करते या ड्रॉप लेने से डरते हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स। सर मुझे लगता है कि ड्रॉप लेने से नहीं डरना चाहिए। मतलब मुझे लोगों ने बोला कि तेरा सेकेंड ईयर भी वेस्ट हो गया, तो उन्हें 2 साल वेस्ट कर दिए, पर मुझे नहीं लगता कि मेरा सेकेंड ईयर वेस्ट हुआ है, क्योंकि मुझे एनआईटी मिल रहा है, तो मैं इसे कभी वेस्ट नहीं बोलूंगी अपनी लाइफ में, कि मैं तो थैंकफुल हूँ इस ईयर के लिए कि मुझे एनआईटी मिल गया, तो ये इसमें वेस्ट नहीं होता है कभी बिल्कुल भी। सही बात है अंशिका, ये वो बात है जो मैं हमेशा बोलता हूं कि ये इन्वेस्टमेंट है। लोग ये वर्ड यस जब सर, वेस्ट यूज करते हैं जब गड़बड़ होती है, आपका ये इन्वेस्टमेंट आपकी इंटायर लाइफ बदलने वाला है। तो मैं तो पूरी आप, जिंदगी थैंकफुल रहूंगी इस ईयर के लिए, कैसे हाँ, वेस्ट तो है ही नहीं है मेरा। जिसने आपकी पूरी इंटायर लाइफ बदली वो ईयर आपका यस सर, सबसे गोल्डन ईयर है, तो इसे वेस्टेज नहीं यस इन्वेस्टमेंट सर, ईयर बोलते हैं। तो बहुत अच्छी बात है अंशिका बताई आपने। चलिए ऑल द बेस्ट, ऐसे जीवन में बहुत थैंक आगे यू सर, बढ़ो, खुश रहो, और अब जाके अब थैंक यू आपकी सो ये मच, स्टार्ट हो गई है सक्सेस जर्नी, और अब इसको ऐसे ही बनाए रखना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। थैंक यू।